मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पलवल जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बनाए गए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। जिला स्तर पर लघु सचिवालय के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में पलवल के विधायक दीपक मंगला व जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में हर खेत स्वस्थ खेत एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला पर आधारित वीडियो व प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई। मुख्यमंत्री ने किसानों के नाम अपना संबोधन दिया। विधायक दीपक मंगला ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के 14 जिलों में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा बनाई गई 44 नए मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि पलवल में बनाई गई नई मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण पर लगभग 56,48,000 रुपये की लागत आई है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी व पानी की निःशुल्क जाँच की जाती है। किसान फसलों की बिजाई से पहले अपने खेतों के मिट्टी व पानी की जाँच अवश्य कराएं। आज यहाँ सोइल टेस्ट लैब का आज उद्घाटन हुआ। आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ऑनलाइन चंडीगढ़ से सारे प्रदेश के अंदर 40 सोइल टेस्ट लैब का उद्घाटन किया है, जिसमें आज हमारे पलवल में भी यहां पर सोइल टेस्ट लैब का उद्घाटन हुआ है। और निश्चित तौर पर इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। उनकी खेत की मिट्टी की जाँच हो करके उनमें कितनी उर्वरक शक्ति है और किस तरह की फसल वो करके वो कम लागत में अच्छी फसल पैदा कर सकें, इसके लिए फ़ायदा मिलेगा। और निश्चित तौर पर हमारे किसान भाइयों की आय बढ़ने में इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। और इस सोइल टेस्ट जांच के लिए हमारे जो स्कूली कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे हैं, वो भी जाकर के सोइल टेस्ट करने में सहयोग करेंगे और उनको सरकार की तरफ से 40 रुपये प्रति एकड़ की हिसाब से मानदेय भी मिलेगा। और आगे सरकार की ये भी योजना है, जो हमारी कॉलेज स्कूल और स्कूलों में जो हमारी केमिस्ट्री की लैब हैं, उनमें भी सोइल टेस्ट लैब बने और उनमें भी किसानों के खेतों की मिट्टी की जाँच हो। यह बहुत कल्याणकारी योजना हमारी सरकार की आई है और इसके लिए मैं विशेष तौर पर अपने मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूं कि जो समय समय पर किसानों को उनकी आय बढ़े, इसके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमें लगातार देते हैं। प्रयोगशाला के उद्घाटन के अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे किसानों के लिए उनकी आय दुगनी हो, उसके लिए निरंतर कुछ ना कुछ योजनाएं हमारी प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार योजनाएं हमें देती आ रही हैं।